सिद्धार्थनगर जिले में उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार संगठन के लोगों ने जिला अधिकारी को ज्ञापन देने मुख्यालय के कलेक्ट्रेट परिसर पहुंचे और डीएम संजीव रंजन को ज्ञापन दिया। पूरा मामला नगरपालिका में निर्माण हो रहे डिवाइडर को लेकर। जिसमें व्यापार संगठन ने अनियमितता का आरोप लगाया और जिला अधिकारी को ज्ञापन देकर कार्रवाई की मांग की है। वहीं मीडिया से बात करते हुए व्यापार संगठन के जिला अध्यक्ष अजय कसौदा ने नगरपालिका द्वारा करवाए जा रहे डिवाइडर के निर्माण में भ्रष्टाचारियों अनियमितता आरोप लगाकर मामले में कार्रवाई की मांग की है। उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार संगठन जिला अध्यक्ष अजय कसौदा सिद्धार्थनगर। मामला क्या जिलाधिकारी कार्यालय को? जिलाधिकारी महोदय को आज हमने एक ज्ञापन दिया अपनी पूरी कोर कमेटी के साथ। ये जो नगर पालिका में सड़क बन रहा है उसके बीच में डिवाइडर बन रहा है, डिवाइडर में कहीं भी न सरिया न जाल और मानक के अनुरूप काम हो रहा है। जितना सीमेंट पड़ना चाहिए, गिट्टी पड़ना चाहिए, वो नहीं पड़ रहे हैं। उसके खिलाफ मैं आज डीएम जिलाधिकारी महोदय को एक ज्ञापन दिया। जिलाधिकारी का क्या आश्वासन? जिलाधिकारी महोदय का ने कहा कि हम इसकी जांच कराते हैं और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा भी दिलवाएंगे अगर ऐसा मैंने पाया तो। उस प्रोजेक्ट का मीनू क्या है? उस प्रोजेक्ट का मीनू पहली बात 4 से 5 करोड़ के लमसम इसका टेंडर हुआ है और टेंडर के हिसाब से काम नहीं हो रहा है। उसके मानक के रूप में मैंने नगर पालिका से मांगा है, इसका मानक क्या है और कैसे क्या बनना चाहिए। मानक विहीन कार्य।